हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट में। और आज जिस चैप्टर को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं उसका नाम है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। दिस इज द थर्ड चैप्टर ऑफ आवर बुक विस्टास। स्टैंडर्ड 12th की जो बुक है विस्टास, उसका थर्ड चैप्टर है ये। और चलिए, इस चैप्टर को लिखा है टीसानी दोषी ने, जो कि मद्रास से बिलोंग करती है। अब ये स्टोरी की शुरुआत इस तरह से होती है कि टीसानी दोषी जो है वो एक रशियन रिसर्च वेसल में, जिसका नाम है एकेडमिक सोलेक्स स्काई, उसमें बैठ के जाने वाली है एंटार्क्टिका। ठीक है, एंटार्क्टिका के बारे में आपको बता दूं कि एंटार्क्टिका जो है वो द कोल्डेस्ट, द ड्राइएस्ट एंड द विंडीएस्ट जगह है। ठीक है, दुनिया का सबसे कोल्डेस्ट, सबसे ड्राइएस्ट एंड सबसे विंडीएस्ट जगह है, वहां पे वो जाने वाली है। अब वहां पे जाने के लिए वो अपनी यात्रा, वो अपनी वॉयज जो है, जर्नी जो है, वो स्टार्ट करती है मद्रास से। और जब वो मद्रास से जर्नी स्टार्ट करती है, लगभग वो 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स एंड 3 वाटर बॉडीज एंड एज मैनी इकोस्पियर्स, इन सबको क्रॉस करते हुए वो पहुंचती है एंटार्क्टिका। और मैं आपको यहां बता दूं कि ये सारी चीजों को क्रॉस करने के लिए लगभग उनको 100 आवर्स की का टाइम पीरियड लगता है। अब आप समझ सकते हैं कि मद्रास से स्टार्ट करने के बाद वो एंटार्क्टिका पहुंचती है। तो यहां पे एंटार्क्टिका पहुंचने के बाद आप समझ सकते हैं कि वो कितना थक गई होगी। लेकिन जिस इंसान के अंदर कोई नया जगह देखने की क्यूरियोसिटी होती है, वो इंसान वहां पे पहुंच के भी थकता नहीं है। अब वो यहां पे बताती है कि जब मैं पहली बार एंटार्क्टिका पे उतरती हूं तो वहां का एनवायरनमेंट देखती हूं, हर जगह व्हाइटनेस दिख रहा है, हर जगह स्नो ही स्नो दिख रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि एक बहुत ही डिवाइन प्लेस वो लग रहा है। वहां पे ना कोई सिटी का बैनर बोर्ड्स है, ना कोई ट्रांसपोर्टेशन है, ना कोई गाड़ियों की शोर शराबा है। ठीक है, तो वो एकदम से, उनको एकदम से अलग ही स्ट्रेंज प्लेस लगता है वो। अब यहां पे उन्होंने बात की है कि लगभग 650 मिलियन ईयर्स पहले ये जो हमारा इंडिया है और एंटार्क्टिका है, वो एक सुपर कॉन्टिनेंट का ही पार्ट था। मतलब हम कह सकते हैं कि इंडिया और एंटार्क्टिका जो है वो एक बहुत बहुत बड़े लैंडमार्क का ही पार्ट था। मतलब इंडिया एंड एंटार्क्टिका जो है वो जुड़े हुए थे। तो यहां पे बताया गया है कि और उस सुपर, उसको एक सुपर कॉन्टिनेंट का नाम दिया गया था। और उस सुपर कॉन्टिनेंट को क्या बोलते थे? गोंडवाना लैंड बोलते थे। ठीक है, उस सुपर कॉन्टिनेंट को गोंडवाना लैंड बोलते थे। अब अगला क्वेश्चन ये है, अगला पार्ट ये है स्टोरी का कि वाई एंटार्क्टिका इज द कोल्डेस्ट। ठीक है, एंटार्क्टिका इतना कोल्ड क्यों है? तो आप में से ज्यादातर स्टूडेंट यही बोलेंगे कि सर वो पोलर रीजन में आता है, और पोलर रीजन मतलब वहां पे पूरी तरह से ठंडक ही होती है, इसलिए वो फ्रिजिड जोन है, पूरी तरह से जमा हुआ जोन है। वहां पे आपको बड़े बड़े ग्लेशियर्स, आइसबर्ग्स ही देखने को मिलेंगे। तो यहां पे बताया गया है कि जैसे जैसे टाइम आगे बीता और डायनासोर्स वगैरह जो थे वो खत्म हुए, और उसके बाद क्या हुआ कि ये जो हमारा गोंडवाना लैंड, जो एक सुपर कॉन्टिनेंट था, वो टूटने लगा और टूट के अलग अलग पार्ट में जाने लगा। जैसे यहां पे बताया गया है कि इंडिया वाला जो पार्ट था वो एशिया की तरफ आया, एशिया वाले कह सकते हैं, एशिया वाले जो हमारा टेक्टोनिक प्लेट है उससे टकराया, और उससे टकराने की वजह से आज जो हम देखते हैं हिमालयन माउंटेन रेंज, वो बना। एक टाइम था कि हिमालयन माउंटेन रेंज जहां पे अभी है वहां पे सी वाला पार्ट हुआ करता था। लेकिन टेक्टोनिक प्लेट्स के आपको पता है, टेक्टोनिक प्लेट्स दो तरह के मूवमेंट करते हैं, एक या तो कोलाइड करते हैं या फिर एक दूसरे से दूर जाते हैं। जब वो एक दूसरे से दूर जाते हैं तो डिप्रेशन वाला एरिया क्रिएट होता है, जो एक ओशियन और सी में कन्वर्ट होता है, और जब वो टकराते हैं तो माउंटेन वाला एरिया क्रिएट होता है। तो जो हमारा नॉर्दर्न साइड में हिमालयन माउंटेन रेंज है वो टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से ही क्रिएट हुआ है। अब यहां पे बात की गई है कि इस तरह के, ठीक है, चेंजेस आए जब ये गोंडवाना लैंड, जो एक सुपर कॉन्टिनेंट था, वो अलग होने लगा। तो इंडिया वाला जो पार्ट था वो एशिया की तरफ आया, एशिया से टकराया, और यहां पे हिमालयन माउंटेन रेंज बन गया। एक और चीज बताया गया है कि साउथ अमेरिका जो है वो ड्रिफ्ट होकर नॉर्थ अमेरिका की तरफ चला गया, नॉर्थ अमेरिका से जुड़ गया जाके वो प्लेट, और उसकी वजह से बीच में एक खाली एरिया क्रिएट हुआ, और उस खाली एरिया से जो कोल्ड विंड है वो डायरेक्टली एंटार्क्टिका की तरफ जाने लगी। एक टाइम था कि एंटार्क्टिका वार्म था एज कंपेयर टू टुडे, आज के कंपैरिजन में आज पूरी तरह से वो फ्रिजिड जोन है, लेकिन एक टाइम था जो वो भी वार्म हुआ करता था, वहां पे भी वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना देखने को मिलते थे। लेकिन उस वजह से कि नॉर्थ अमेरिका जो है वो शिफ्ट हो गया, कह सकते हैं कि ड्रिफ्ट होके वो चला गया साउथ अमेरिका की तरफ, वो दोनों कंबाइन हो गए, और बीच में जो एरिया क्रिएट हुआ उसकी वजह से डायरेक्ट कोल्ड विंड जो है वो एंटार्क्टिका की तरफ जाने लगे, और एंटार्क्टिका जो है वो पूरी तरह से फ्रिजिड जोन बन गया। अब यहां पे एंटार्क्टिका के बारे में बताया गया कि एंटार्क्टिका पे आपको कोई वेजिटेशन, कोई भी ज्यादा फ्लोरा एंड फौना रेयरली आपको कुछ देखने को मिलेगा। तो यहां पे
ये बताया गया कि एंटार्क्टिका में जो कह सकते हैं आइसबर्ग्स हैं, बहुत बड़े बड़े आइसबर्ग्स हैं। जो सबसे बड़ा आइसबर्ग है उसकी साइज एक कंट्री बेल्जियम के बराबर है। अब यहां पे बताया गया है कि एंटार्क्टिका जो है, ठीक है, यहां पे ये बताया गया है कि हमारे, देखिए जैसे हम लगातार यहां पे ह्यूमन हिस्ट्री की बात की गई है, ह्यूमन हिस्ट्री अगर देखा जाए तो लगभग 12,000 साल पुरानी ही है। ठीक है, आप देखिए जब गोंडवानालैंड था, एक सुपर कॉन्टिनेंट था, वो लगभग 6 मिलियन ईयर्स पहले था। उसके बाद कह सकते हैं कि धीरे धीरे ह्यूमन का एग्जिस्टेंस स्टार्ट हुआ, और हम देखें हम ह्यूमन बींग्स जो है वो लगभग सिर्फ 12,000 साल पहले इस अर्थ पे आए हैं। और अर्थ पे आने के बाद हमने क्या किया, तो हमने अपनी डोमिनेशन स्टार्ट कर दी, हम डोमिनेट करने लगे, हम नेचर को डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिए। और इस वजह से क्या हुआ कि हमारी वजह से, हमारी जब से ह्यूमन एग्जिस्टेंस स्टार्ट हुआ उस समय से कह सकते हैं कि पूरे का पूरा जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ना चालू हो गया। यहां पे बात की गई है ग्लोबल वार्मिंग की। तो ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली है क्या, तो जो फॉसिल फ्यूल्स का हम यूज करते हैं, जो कोल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हम इग्निट करते हैं, जलाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, तो हमारे एनवायरमेंट में, हमारे एटमोस्फियर में लगातार कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता गया। और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ने की वजह से क्या हुआ, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ने की वजह से, देखिए हम जा रहे हैं वहां तो इफेक्ट पड़ ही रहा है। आज डे और नाइट टेम्परेचर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। गर्मी के मौसम में अगर आप देखेंगे तो जो डे टेम्परेचर होता है उसी तरह का कुछ टेम्परेचर नाइट में भी होता है। तो यहां पर बताया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ने की वजह से जो हीट है अर्थ का, ठीक है, वो बढ़ता गया। और उस हीट की बढ़ने की वजह से, देखिए ये हीट का इफेक्ट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने का इफेक्ट क्या है, अगर वो आपको देखना है तो वो आप जाके एंटार्क्टिका में देख सकते हैं कि एंटार्क्टिका में उसका क्या फर्क पड़ रहा है। अगर एंटार्क्टिका में आप जाते हैं तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि इतने बड़े बड़े आइसबर्ग्स, इतने बड़े बड़े जो ग्लेशियर्स है वो टूट रहे हैं, कॉलेप्स हो रहे हैं। जैसे हम कभी कभी न्यूज में देखते हैं, अपने घर में अपने ड्राइंग रूम में बैठ के न्यूज में देख रहे होते, न्यूज वाले दिखा रहे थे कि लगातार अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की इफेक्ट की वजह से क्या हो रहा है, बड़े बड़े जो आइस शीट्स है वो कॉलेप्स हो रहे हैं, बड़े बड़े जो आइसबर्ग्स है वो गिर रहे हैं और वो मेल्ट हो रहे हैं। और उसका असर ये होगा कि हमारा जो कह सकते हैं कि ये ओशन का लेवल या सी का लेवल लगातार बढ़ रहा है, तो उसका इफेक्ट क्या होगा। आप जानते हो कि हमारे जो मेन, पूरे वर्ल्ड के मेन मेन सिटीज जो है वो समुद्र किनारे ही बसे हैं। तो हो सकता है एक टाइम ऐसा है कि जितने ही बड़े सिटीज है वो सब सबमर्ज हो जाए, समुद्र के पानी में डूब जाए, ये इफेक्ट होगा। तो देखिए जब आप घर में अपने ड्राइंग रूम में बैठ के ये सब टीवी पे देख रहे थे तो आपको इसका कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आप रियल में एंटार्क्टिका में जाके देखोगे, जो कि एक फ्रिजिड जोन है और लगातार गर्मी बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, वहां बड़े बड़े जो ग्लेशियर्स हैं, आइसबर्ग्स है, वो टूट रहे हैं और वो मेल्ट हो रहे हैं, तो उसका रियल असर क्या होगा वो आप वहीं पे जाके फील कर सकते हो। तो ये बताया गया ह्यूमन इफेक्ट के बारे में। देखिए आज हम दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स जो हैं वो एक जगह मिलते हैं और एनवायरनमेंट के रिलेटेड, ठीक है, जो हमारा फ्यूचर है, ठीक है, क्लाइमेटिक चेंज आ रहा है, उसके रिगार्डिंग बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उसमें इन्हीं मुद्दों पर चर्चा होता होगा। अब यहां पर बात की गई है एक एजुकेशन एडुकेटर, एडवेंचरस एडुकेटर है जिनका नाम, कैनेडियन सिटीजन है ये, जियोफ ग्रीन, ठीक है, उन्होंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है स्टूडेंट्स ऑन आइस। और स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम का मेन मोटो ये है कि वो स्टूडेंट्स को ले जाना चाहते हैं कहां पे, एंटार्क्टिका पे, और वहां पे ले जाके स्टूडेंट्स को बताना चाहते हैं ये ग्लोबल वार्मिंग का रियल इफेक्ट है क्या। देखिए एक्चुअली कैनेडियन पर्सन जियोफ ग्रीन जो है वो पिछले 5 साल से वर्ल्ड के अलग अलग सेलिब्रिटीज को एंटार्क्टिका ले जा रहे थे, और उनका इंटेंशन ये था कि सेलिब्रिटीज के बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, तो सेलिब्रिटीज जब वहां एंटार्क्टिका पे जाएंगे और वहां पे जब वो रियल कंडीशन देखेंगे एंटार्क्टिका की, तो वो यहां पे आके अपने फॉलोअर्स को बताएंगे कि हमें जितना हो सके कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो बढ़ने से रोकना चाहिए, पॉल्यूशन बढ़ने से रोकना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, सेलिब्रिटीज जो है वहां से घूम के आते थे और वो अपनी दुनिया में बिजी हो जाया करते थे। तो एट लास्ट जियोफ ग्रीन ने ये सोचा कि अगर मैं स्टूडेंट्स को वहां पे लेके जाता हूं, क्योंकि स्टूडेंट्स के बारे में आपको बताऊं तो ऐसा बोला जाता है कोई भी कंट्री का फ्यूचर उनके स्टूडेंट्स ही होते हैं, ठीक है। तो यहां पे जियोफ ग्रीन का मानना है कि यही स्टूडेंट्स को, इन स्टूडेंट्स को अगर मैं अवेयर करता हूं, उनको रियल कंडीशन बताता हूं कि क्या हो सकता है, तो वो क्या करेंगे, वो लोगों को जागरूक करेंगे, ठीक है, वो लोगों को अवेयर करेंगे, और ये स्टूडेंट्स जो है वो फ्यूचर में जाके पॉलिसी मेकर्स बनेंगे। यही स्टूडेंट बड़े बड़े पॉलिटिशियंस बन सकते हैं, ब्यूरोक्रेट्स बन सकते हैं, और ये आगे जाके पॉलिसी मेकर्स बनेंगे और ये ऐसी पॉलिसी बनाएंगे जिससे हमारा अर्थ जो है वो सेफ रह सकता है, हमारा अर्थ जो है वो सेव हो सकता है।
साथ में यहां पे बात की गई है एक साउथ पोल में एक माइक्रोस्कोपिक ग्रास की, जिसका नाम है फाइटोप्लैंकटन। ठीक है, ये सिंगल सेल ग्रास है। और मैं आपको बता दूं कि पूरा जो साउथ पोल है वहां का पूरे का पूरा जो फूड चेन है वो इसी के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए साउथ पोल में एक जगह, देखिए आपने सुना होगा कि ओजोन का जो लेयर है उसमें होल हो गया है, तो साउथ जो साउथ पोल है वहीं पे एक जगह ओजोन के लेयर में होल हुआ था, और उसकी वजह से ये जो फाइटोप्लैंकटन है मतलब जो साउदर्न ओशन है वहां का ये एक ग्रास है, सिंगल सेल ग्रास है, और इसी के ऊपर वहां का पूरा फूड चेन डिपेंड करता है। तो उसकी वजह से इस फाइटोप्लैंकटन पे बहुत ज्यादा असर पड़ रहा था। और अगर ये माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल जो ऑर्गेनिज्म है अगर वो खत्म हो जाता है तो वहां का पूरा फूड चेन जो है साउथ पोल का वो पूरे का पूरा डिस्टर्ब हो सकता है। तो यहां पे तिशानी डोसी ने ये बताया है कि देखिए एक छोटी, जैसे हमने पढ़ा है अपने बुक में कि जो भी फूड चेन वगैरह है ठीक है वो पूरे का पूरा डिस्टर्ब हो सकते हैं अगर एक छोटा सा फैक्टर वहां से चला जाए। तो जैसे हमने पढ़ा है कि जो माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया होते हैं अगर वो खत्म हो जाए तो हर जगह अर्थ पे डेड बॉडी रहेगी, क्योंकि वो डेड बॉडी जो है डिकम्पोज नहीं हो पाएगी। तो वैसे ही यहां पे फाइटोप्लैंकटन नाम का जो सिंगल सेल्ड ग्रास है अगर वो साउदर्न ओशन से साउथ पोल से खत्म हो जाता है तो वहां का पूरे का पूरा फूड चेन जो है वो खत्म हो जाएगा। तो यहां पे बेसिकली ये बताने की कोशिश की है कि नेचर में जो छोटी छोटी चीजें हैं उनकी वजह से नेचर का बैलेंस बना हुआ है, अगर वो छोटी सी चीज डिस्टर्ब होती है तो बड़ी से बड़ी चीज क्या हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है, खत्म हो सकता है। तो यहां पे बताया गया है कि आप छोटी चीजों को संभालिए, बड़ी चीज अपने आप अपने प्लेस पे रहेगी। तो इस तरह से इस लेसन के थ्रू कह सकते हैं कि डिसानी डोसी ने बताने की कोशिश की है कि किस तरह से हमारा ह्यूमन इंटरफियरेंस, हम जो जरूरत से ज्यादा इंटरफियरेंस कर रहे हैं। देखिए हमारे हम ह्यूमन बींग्स जो है उन्होंने अपनी डोमिनेशन साबित करने के लिए बहुत सारे ऐसे स्पीशीज है जिसको लगभग एक्सटेंड कर दिया है इस अर्थ से, और उसकी वजह से जो अर्थ है वो डिसबैलेंस हो रहा है। तो ये सारी चीजें बताने की कोशिश की है। और स्टोरी के लास्ट पार्ट में उन्होंने ये भी बताया है वॉक ऑन द ओशियन। ठीक है, अब होता यह है कि जब ये लगातार एंटार्क्टिका की तरफ जा रहे होते हैं तो एक पॉइंट ऐसा भी आता है जहां पे आगे जाने की जगह नहीं होती, क्योंकि आगे सिर्फ सॉलिड आइस ही आइस है, तो उसके आगे उनके शिप जा नहीं सकती है। तो वो क्या करते हैं, टर्न ले लेते हैं वहां से, और जब वहां से टर्न लेते हैं तो एक ऐसा जगह आता है जहां पे कैप्टन उनको बोलते हैं कि आप लोग अब क्या कर सकते हो, आप लोग वॉक ऑन द ओशन। ठीक है, अब आप ओशन पे वॉक कर सकते हो थोड़ी दूर, मतलब ऐसा होता है कि वो फ्रिजिड जोन है और वहां पे एक पर्टिकुलर लेयर तक जो वाटर है ठीक है वो आइस में कन्वर्ट हो गए, लेकिन उस लेयर के नीचे पूरे का पूरा मरीन लाइफ है। तो वो लोग जब वहां पे उतरते हैं ठीक है ओशन पे वॉक करने के लिए तो वहां पे एक स्ट्रेंज, मतलब हम कह सकते हैं कि एक अलग ही उनको एक अलग फीलिंग आती है, क्योंकि वो नीचे क्लियरली देख रहे हैं कि नीचे पूरी की पूरी मरीन लाइफ दिख रही है, सील वगैरह ठीक है जो भी दूसरे जो मरीन एनिमल है वो वहां पे दिख रहे हैं। तो ये भी एक अनयूजुअल एक्सपीरियंस था उन लोगों के लिए। साथ में उन्होंने ये बताया है कि एंटार्क्टिका में आपको बहुत कम ठीक है फ्लोरा एंड फौना मतलब एनिमल्स वगैरह देखने को मिलेंगे, वहां पे मोस्टली आपको जो वेल है वो देखने को मिलेगी ठीक है, और छोटे मोटे जो जीव है ठीक है वो देखने को मिलेंगे। तो यहां पे बेसिकली इस लेसन के थ्रू हमें अपने अर्थ के लिए अवेयर होने की बातें की गई है टिशानी डोसी द्वारा। तो आई थिंक ये लेसन आपको बहुत नॉलेजेबल लगा होगा और इस लेसन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो मैंने शॉर्ट में ये लेसन आपको समझाने की कोशिश की है। और अगर आपको इस तरह का वीडियोस देखना है, लेसन को आपको मान लीजिए कि 10 पेज का लेसन है उसको आपको क्लियर तरीके से 10 मिनट में समझना है तो आप हमारे वीडियोस को देखते रहिए। हमारे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप जितना शेयर करेंगे आपका नॉलेज बढ़ेगा। थैंक यू।